अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोग पाई नेटवर्क का वैलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया पाई का वैलेट क्रिएट ही नहीं हो रहा था, आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल रहा था। लेकिन इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि भैया आपका पाई का वैलेट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा। अगर आपने वो प्रोसेस अपनाया होगा तो अब आई होप आपका जो पाई का वैलेट है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पाई नेटवर्क वालों ने उसके ऊपर काम किया होगा, उस एरर को रिजोल्व करने की कोशिश की होगी। अब ये जो मेरा अपना ये दूसरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने पाई का वैलेट क्रिएट नहीं किया था, मुझे भी कुछ उस तरह का एरर देखने को मिल रहा था। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि भैया अब यहाँ पर पाई का वैलेट आपने कैसे क्रिएट करना है और उसको आप लोगों ने वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मिनट के अंदर आ जाना है। ठीक है, मिनट के अंदर आने के बाद यहाँ पर अब यहाँ पर आपको बैलेंस डैशबोर्ड का जो इंटरफेस है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको मिनट चेकलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मिनट चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना भी मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको काफी मरतबा बताया है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा पाई वैलेट क्रिएट हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हुआ पड़ा। ठीक है, कंफर्म हुआ पड़ा है लेकिन ये दूसरे पायनियर के थ्रू हुआ पड़ा है। लेकिन इस पाई वैलेट को मैं अपनी तरफ से कंफर्म करना चाहता हूँ, तो उसके बाद ही जाके यहाँ पर नीचे जो है ना वो मेरा केवाईसी का जो स्लॉट है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्रिएट अ पाई वैलेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पाई ब्राउज़र की जो एप्लीकेशन होगी, पाई ब्राउज़र की एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो पाई का वैलेट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता, तो यहाँ पर वैलेट का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो वैलेट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पाई वैलेट होगा वो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 24 वर्ड का पासफ्रेज आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना है और अनलॉक विद पासफ्रेज करना है, या फिर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग यहाँ पर एक न्यू वैलेट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे यू कैन क्रिएट अ न्यू वैलेट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली जनरेट न्यू वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जनरेट न्यू वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपका जो वैलेट है भैया यहां पर क्रिएट हो चुका है, और वो भी सक्सेसफुली। ठीक है, अब जिन भाइयों का इंतजार था कि भैया पाई का वैलेट ही क्रिएट नहीं होता, तो भैया आपके सामने मैंने क्रिएट करके दिखाया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एरर देखने को मिले, लेकिन भैया आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आप लोगों ने वही प्रोसीजर अपनाया होगा, अगर आपका वही एरर आ रहा है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों ने यानी कि पाई नेटवर्क को ईमेल वगैरह रिक्वेस्ट सेंड की होगी कि भैया मेरा पाई का वैलेट नहीं क्रिएट हो रहा, प्लीज मेरी हेल्प करें, तो उसके बाद थोड़ा दिन वेट करने के बाद आपका भी पाई वैलेट कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 24 वर्ड का जो पास फ्रेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली वो क्या करते हैं, यूज फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। भैया आप लोगों का ये जो 24 वर्ड का पास फ्रेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भैया आपको कितनी दफा कहूँ, ये 24 वर्ड का पास फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ लो जिस तरह से आप लोग इजी पैसा जैज कैश यूज करते हो, उसका आप लोग पिन डालते हो, तो वही पिन आपके सामने है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इसको कॉपी करना होगा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले मैं आपको इसको नोटपैड के अंदर सेव करवाता हूँ। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, नोटपैड को सर्च करना है, हर मोबाइल के अंदर नोटपैड आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, हो सकता है कि भैया आपको जो पाई का वैलेट का जो यानी कि पासफ्रेज है वो याद ना रह जाए, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाई वैलेट पासफ्रेज। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख भी लेना ताकि आपको कहीं भूल ना जाए। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बैक आ जाना है। अब आपका जो पाई वैलेट का पासफ्रेज है वो यहाँ पर क्या है, सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पर यूज फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी, ये मेरा यानी कि बायोमेट्रिक एरर है, फिंगरप्रिंट का अभी नहीं लग रही। ठीक है, तो सिंपली मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। भैया मैं अभी फिंगरप्रिंट नहीं लगाना चाहता, मैं बाद में लगा लूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं शो अल्टरनेटिव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि भैया आप लोगों ने 24 वर्ड का जो पास फ्रेज है ना, इसको आप लोगों ने कहीं पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब ये आपको खुद भी कह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने तो ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने आई सेव्ड माय पासफ्रेज पर क्लिक करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर आपका जो न्यू पाई का वैलेट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर उसी 24 वर्ड पासफ्रेज को आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है और अपने वैलेट को आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, अनलॉक विद पासफ्रेज पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अनलॉक विद पासफ्रेज पर क्लिक करता हूँ तो कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आपका जो पाई का एक न्यू पाई का वैलेट है वो यहाँ पर क्रिएट भी हो चुका है और वो आप लोगों के सामने मैंने ओपन करके भी दिखाया है। अब यहाँ पर दोबारा से ये फिंगरप्रिंट का कह रहे हैं तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए होंगे, एक होगा सर्चेबल का और दूसरा होगा नॉट सर्चेबल का। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक और एड्रेस भी दिया गया होगा, ये जो एड्रेस है वो पाई ब्लॉकचेन का है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको भी सेव कर सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो पहले वाला 24 वर्ड का पासफ्रेज था। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सर्चेबल ही रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पाई का वैलेट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन जो है पाई मिनट, जो है पाई मिनट का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पाई टेस्टनेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पाई टेस्टनेट का मतलब यह है कि आपने यहाँ पर कंटिन्यू वगैरह करना है। पाई टेस्टनेट ये होता है कि भैया आप लोग एज ए टेस्ट के तौर पर पाई कॉइन्स जो है वो सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके माइन किए हुए पाई कॉइन नहीं होंगे, ये वो पाई कॉइन होंगे जो कि आपको एज ए टेस्ट के तौर पर दिए गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू द पाई टेस्टनेट वॉलेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पाई टेस्टनेट का वॉलेट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको 100 पाई एज ए टेस्ट के तौर पर दिए गए होते हैं। आप लोग यानी कि किसी को भी 100 में से किसी को भी कॉइन टेस्ट के तौर पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब अवेलेबल बैलेंस जो है वो हमारा यानी कि 80 पाई है, इनमें से यानी कि किसी को भी टेस्ट के तौर पर सेंड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने सेंड करना है तो सेंड ओवर रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने मैनुअली एड वैलिड एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, रिसीवर का जो पाई वैलिड एड्रेस है वो यहाँ पर यानी कि एंटर करना होगा या फिर आप लोगों भी यानी कि QR कोड के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिड एड्रेस लिखने के बाद सेंड पर क्लिक करोगे तो पाई का जो टेस्टनेट होगा, पाई एज अ टेस्ट के तौर पर आपके जो पाई होंगे वो दूसरे को सेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने पाई का जो वॉलेट है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, बट इस वॉलेट को अभी हमने कंफर्म करना है। ठीक है, तो कंफर्म कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, पाई मिनट को ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं पाई का जो मेन मिनट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी हमारे जो पाई कॉइन्स हैं वो अपने मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं हुए, इस वजह से आपको अवेलेबल बैलेंस जो है वो 0-0 दिखाई दिया जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पाई का वैलेट क्रिएट कर लिया है, अब इसको हमने कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको यानी कि क्लोज कर देंगे पाई के वैलेट को। अब यहाँ पर हम पाई नेटवर्क की ऑफिशियल ऐप को ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म यूर पाई वैलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब पाई वैलेट को कंफर्म करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर 24 वर्ड का जो पासफ्रेज आपको यानी कि दिया गया होगा उसी पासफ्रेज को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म यूर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कंफर्म यूर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमारा जो पाई का वैलेट है वो भी आई होप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इनेबल फिंगरप्रिंट का कह रहे हैं तो यहाँ पर भैया मैं फिंगरप्रिंट को कोशिश करता हूँ इनेबल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के सामने मेरा जो पाई का वैलेट है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, पाई का वैलेट मैंने आपके सामने क्रिएट किया है और आप लोगों के सामने ही मैंने पाई का वैलेट कंफर्म किया है। ठीक है, उसके बाद मेरा चौथा स्टेप ऑटोमेटिकली हो गया है और यहाँ पर मेरा पांचवा, छठा, सातवां स्टेप रहता है। ठीक है, पांचवें स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, तो अब यहाँ पर मैंने फोन नंबर और फेसबुक को सिर्फ वेरीफाई करना है, उसके बाद मेरा पांचवा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा जो KYC का यानी कि ऑप्शन स्लॉट है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब आप लोगों ने जो KYC है वो 92 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है। 92 डेज के अंदर अंदर आप लोगों ने KYC कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद आपका जो यानी कि पाई KYC होगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद एंड में आपके जो पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा आपको इस वीडियो में से। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।